वेलकम टू न्यूज बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ से हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ उन कैंडिडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिन कैंडिडेट ने जो है मेडिकल लगाया था और वो रनिंग के लिए नहीं गए थे, यानी कि जिस डेट में उनका रनिंग होना था उस डेट में वो अब्सेंट थे और उन्होंने वहां पे मेडिकल दे दिया था। यहाँ तो मेडिकल देने के बाद यहाँ पे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने उन कैंडिडेट को एक चांस दिया है और उसमें जो है एक नोटिस जारी किया है और उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। तो वही बताने वाला हूँ कि किन कैंडिडेट का यहाँ पे फायदा हुआ है और किन कैंडिडेट का जो है अब दोबारा से यहाँ पे रनिंग होने वाला है। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। तो आपको बता देता हूँ कि नोटिस क्या है और लिस्ट क्या जारी हुई है। जहाँ दोस्तों एक नोटिस जारी हुआ है, आप upv.government.in पर जाइए, यानी कि यूपी पुलिस की मेन वेबसाइट पर जाइए और वहां से इस नोटिस को जारी यानी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्मड कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित या मेडिकल प्रस्तुत करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की पुनर्निर्धारित तिथि पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की सूचना का प्रकाशन, यानी कि 28/12/2019 से प्रारंभ शारीरिक दक्षता के ऐसे 4105 पुरुष अभ्यर्थी सूची संलग्न है जिनके द्वारा मेडिकल के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अग्रिम तिथि प्रदान किए जाने हेतु प्रत्यायेदन दिया गया है, अथवा जो पूर्व निर्धारित तिथियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं अथवा सम्मिलित नहीं हो सके है उनको अंतिम अवसर देते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिनांक 15/1/2020 को प्रातः 8 बजे की तिथि एवं समय पूर्ण निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आपके सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने मेडिकल लगाया था उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे चांस दिया गया है और जिन कैंडिडेट जो भी अनुपस्थित थे यानी 28/12/2019 से लेकर और अब तक के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अब्सेंट थे, पुरुष की बात कर रहा हूँ, उन सभी मेल कैंडिडेट को यहाँ पे दोबारा से जो है मौका दिया गया है। यानी कि 4105 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, उन सभी को यहाँ पे दोबारा से यानी कि अंतिम अवसर भर्ती बोर्ड ने उन सभी को दिया है कि वो अगर चाहे तो रनिंग के लिए जा सकते हैं। उनको लास्ट मौका मिला है यानी अंतिम मौका मिला है। जहाँ दोस्तों आप यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की मेन वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये लिस्ट जो है 4105 कैंडिडेट की, यहाँ पे जो कैंडिडेट ने स्टूडेंट टेकन मेडिकल यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेडिकल के लिए दिया था उनकी भी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है और जो कैंडिडेट अनुपस्थित थे यानी कि अब्सेंट थे उन कैंडिडेट की भी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई। यानी कि ये टोटल जो लिस्ट है आपको दिखा देता हूँ, 4105 कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट की यहाँ पे यानी मेल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। आप इसको डाउनलोड कर करके अपना नाम देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका जो मेडिकल है वो कहाँ होने वाला है, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, मतलब कौन से आपके मंडल में जोन में आपका होने वाला है वो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 15 जनवरी 2020 यहाँ पे इन सभी कैंडिडेट की डेट रखी गई है। जी दोस्तों, यानी कि 4105 कैंडिडेट जो यहाँ पे लिए गए इन सभी की जो है डेट 15 जनवरी 2020 यहाँ पे रखी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, तो उस वीडियो को लाइक कर दे, साथ में इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो न्यूज बाबा हमेशा 100% विश्वसनीय सटीक एवं सत्य सूचनाएं लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो मिलता है कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।